हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, ओके डीआरएचपी उन्होंने फाइल कर दी है, ओके सेबी को यहाँ पर दे दिया है। सेबी के नोड की ज़रूरत है, एक बार उन्होंने अपना हाँ में नोड दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है जोमेटो का आईपीओ और उसकी डेट वगैरह सब अनाउंस हो जाएगा। और उसका फ़ायदा किसे होगा इन्फो एज को, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। एज वेल एज एक वीडियो और डालिए मल्टीपल शेयर से रिलेटेड, और इसमें एक कोट है राकेश झुंझुनवाला साहब का कि आई डोंट गो एवरी पार्टी इन द टाउन, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसे देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है वो देख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दो लिंक मिलेंगे। आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक और लिंक है यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे दान दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार आपका खुद का चैनल है, तो यहाँ पर बात करने वाले दो पर्टिकुलर रिजल्ट, उनके यहां पर बात करेंगे कि हमें उस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी है केपीआईटी, केपीआईटी एक आईटी से रिलेटेड कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी नजर आती है, और काफी अच्छा इन्होंने अभी इनका डीमर्जर भी हुआ था एक कंपनी के साथ, तो अलग एक कंपनी बनी थी केपीआईटी। बिरला सॉफ्ट आपको पता ही है, बिरला सॉफ्ट से अलग हुई थी, ओके, और केपीआईटी बनती हुई नजर आई थी। यहां पर देखिए 1.5 रुपीज का डिविडेंड देता हुआ मिला है, और जो कि अगर एक बार अप्रूवल की जरूरत है, अप्रूवल हो गया तो ऑन और बिफोर आपको 23 सितंबर 2021 से पहले या तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात कर लेते हैं, सीधे जल्दी जल्दी यहाँ पर निपटाएंगे। तो मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, जो ये रिजल्ट है, ओके, यहाँ पर ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर Q3 के हैं, और ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार 5403 मिलियन रुपीज़ का था, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 5172, और Q4 के लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5562। तो देखिए, अगर ओवरऑल टोटल इनकम की हम बात करते हैं, वैसे इसको हम कभी काउंट नहीं करते बट स्टिल देख लेते हैं, तो टोटल इनकम देखते तो 5466 मिलियन रुपीज़ है इस बार का, 5239 लास्ट क्वार्टर का है, और अगर बात करें 5686 यहाँ पर Q4 का है लास्ट ईयर का। देखिए क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, बट ईयरली वाइज अगर देखते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट हमें साफ नजर आती है, ओके। तो क्वार्टरली वाइज यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, तो कंपनी डीमर्जर हुई है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पीडली मतलब धीरे धीरे चल के आगे कंपनी अच्छा खासा बिहेव करेगी, तो और बट ईयरली वाइज यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट है। अब यहां पर देख लेते हैं यहां पर टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो अब इस बार लगभग 4876 मिलियन रुपीज का यहां पर एक्सपेंस हुआ है, जहां पर लास्ट ईयर 5149 था, और लास्ट क्वार्टर 4720 मिलियन रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस था। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर बात करें तो 470 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर Q4 में 381 मिलियन रुपीज था, या मिलियन रुपीज में ये सारे रिजल्ट। और बात करें Q3 की तो यहाँ पर 429, तो ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दे रहा है। ईयरली वाइज तो हमें लगभग 90 करोड़ रुपीज यहाँ पर साफ दिखाई, 90 मिलियन इन रुपीज पे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाया। तो कंपनी ने आपको अच्छे खासे रिजल्ट पेश करते हुए यहाँ पर नजर आया है। यहाँ पर कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखा है, ओके, थोड़ा बहुत बढ़ते हुए नजर आया, बट ईयरली वाइज थोड़ा कम है, तो यहाँ पर इसलिए प्रॉफिट यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अगर हम बात करते हैं EPS की, तो कंपनी का EPS यहाँ पर देख लेते हैं। इस बार का EPS 1.74 है, जो कि लास्ट ईयर 1.38 था, और लास्ट क्वार्टर 1.44 था, तो अच्छा खासा EPS में भी बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। तो ये कंपनी देखिए IT कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो इस कंपनी की तरफ नज़रें रखनी है आपको, ओके। और अगर हम यहाँ पर और भी कुछ KPIT से रिलेटेड देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 17 का ROC है, थोड़ा 22% का डेट भी है, और प्लेजिंग भी इन्होंने कर रखी है, ओके। और यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको देखती हुई मिल जाएगी। अगर यहाँ पर ईयरली वाइज परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए 2018 में जीरो करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ते बढ़ते, ओके, शायद यहाँ पर डीमर्जर हुआ था इस वजह से, तो अभी देखें तो 140 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। तो कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास अच्छे हैं, बोरिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 22% तक की लगभग की बोरिंग है, ओके। एंड अगर यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पर ये मार्च का है इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट, हाँ, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बोरिंग है इस कंपनी के पास। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 40% के शेयर है यहाँ पर प्रमोटर्स के पास, जो कि कम
होते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। FIS की बात करें, FIS के पास ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, फिर भी 20% की हिस्सेदारी है। DIS के पास ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 15% की हिस्सेदारी है। पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो 21% की हिस्सेदारी है, जिनमें से ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 4.32% की हिस्सेदारी है। और अदर में अगर बात करें, अदर कौन है तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, तो ये श्रीधर घाटे हैं, इन्होंने 1.86% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो कंपनी अच्छी खासी है, थोड़ा टाइम देंगे तो शायद अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है, और कभी भी इसमें ज़्यादा पैसा लगाने की भूल मत करना, और फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी कंपनी आती है SIS लिमिटेड। SIS लिमिटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। SIS की आपने काफ़ी सारे जो बैंकों में पैसे डालते हैं, आपको देखा होगा ATMs में जो पैसे डालते हैं, तो SIS की बड़ी बड़ी आपने कैब देखी होगी, बड़ी बड़ी आपने गाड़ियाँ देखी होगी जो कि फुल ऑफ बॉडीगार्ड्स उसमें रहते हैं और पैसे की को देखते हैं कि उनके साथ कोई इशू तो नहीं है। SIS मीन्स सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई हमें नजर आ रही है। इनकी वेबसाइट को डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन कंपनी ये है। अगर बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग ये रुपीज़ इन मिलियन में ही यहाँ पर भी रिजल्ट है, तो ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के, ये Q4 के लास्ट टाइम के। तो 24,422 मिलियन का रेवेन्यू है, लास्ट Q3 में 23,575 और लास्ट ईयर की बात करें 22,097 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू था, जो कि ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ओके, और मैंने इसलिए आपको बताया भी था, कंपनी काफ़ी नीचे लेवल पर चल रही है तो आपको लेना चाहिए। अगर यहाँ टोटल इनकम की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27,950 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर अभी का प्रॉफिट है, जो कि ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है। तो कंपनी इज मेकिंग बिजनेस। अगर बात करें यहाँ पर डूइंग बिजनेस, अगर बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस, यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जिस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है उसी तरीके से एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लगभग 23,785 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस है, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, NPAT की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए तो लगभग 1,022 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, और बात करें लास्ट क्यू की तो क्वार्टर की तो 990 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर की बात करें तो माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट था, -39 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर नेगेटिव में था, जो कि ईयरली बेसिस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर ही रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखा यहाँ पर जनरेट करते हुए दिखाया है। इसके अलावा EPS की बात कर लेते हैं, तो EPS आपके सामने है, जो EPS लास्ट ईयर के क्वार्टर में 0.28 का माइनस में था, अभी 6.91 का पॉजिटिव में है, जो कि ईयरली बेस एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो SIS एक बेहतरीन कंपनी है, ओके, इसे अपने रिडार पे रखना, काफ़ी बेहतरीन कंपनी हमें नज़र आती है, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की मत सोचना, डेट इसके पास है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, यहाँ पर देख सकते हैं 15 करोड़ का प्रॉफिट, ओके, यहाँ पर अभी ये चेंज होता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में रिटर्न्स आपको नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पर डेट है कंपनी के पास, इस बात को याद रखना, ये सब चीज़ अभी अपडेट हो जाएगी, जब अपडेट होगी तो एक बार और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा और अपनी तरफ से भी यहाँ पर देखते रहिएगा। बोरिंग है कंपनी का, रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने अच्छे खासे कर रखे, और होल्डिंग भी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएगी। FIS भी रखते हैं, DIS भी रखते हैं, नॉर्मल पब्लिक, HNIs एज वेल एज प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ पर है, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर प्रोमोटर की तरफ से कम होती हुई नजर आई है, FIS की तरफ से भी और DIS की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। बात करें SIS की, तो देखिए SIS का जो RSI है बहुत फेवरेबल है, मतलब इन द सेंस बहुत नीचे चल रहा है 29 के आसपास। इस शेयर को अगर आप अभी एक्युमुलेट करते हो तो शायद आपको अच्छा खासी वैल्यू मिल सकती है, बहुत जल्दी है जब भागता हुआ नजर आएगा, और कल की डेट में शायद ही अच्छे रिजल्ट है तो इसलिए ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इस शेयर की तरफ नजर रखिए, लगभग 450 रुपए तक ये भागता हुआ आपको नजर आ सकता है। बाकी 550 का इसका बाईबैक भी था, उससे रिलेटेड कोई न्यूज मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि कहां पर है, तो इस शेयर की तरफ नजरें रखिए, काफी बेहतरीन है। KPIT की बात करें तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा बाय, अगर आपको डिप्स मिलता है
ओके, तो डिप में खरीदारी करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी जेम्स बॉन्ड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप बिल्कुल भी थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, तो ऑब्वियसली आपको बाय डिप में मिलता हुआ ये शेयर भी दिखाई देगा। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा कोई भी पोजिशन से लेने से पहले, मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे खुद के चैनल जो बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार का चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक दीजिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो भी दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।